ये क्वेश्चन है कि जब पहला वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ 1914 में, तब एक डिमांड बढ़ी इंडियंस में फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, उनको समझ में आया इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ एफर्ट। तो इसी एंगल से आपको बताना पड़ेगा लखनऊ पैक्ट के बारे में, उस पर कमेंट करना पड़ेगा। तो आंसर में आप लिखोगे कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था उसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन में पहले तो आप बताओगे कि कांग्रेस का जब सूरत स्प्लिट में डिवीज़न हुआ था, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें यूनिटी चाहिए। तो सूरत स्प्लिट से जो कांग्रेस ने समझा कि यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब दे रियलाइज द डिमांड्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमी कुड ओनली बी एक्वायर्ड बाई पुटिंग यूनाइटेड फ्रंट, इसलिए 1916 में एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो उनको वापस कांग्रेस में लाया गया। जो वर्ल्ड वॉर के समय जो सिचुएशन था उसको समझते हैं। पहले तो ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया था टर्की को हेल्प करने में। दूसरा कि जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1911 में वो कैंसिल कर दिया गया। तीसरा जो मुस्लिम लीग था वो डोमिनेट किया जाता रहा था बाय यंगर मिलिटेंट नेशनलिस्ट। चौथा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था सेट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेट करने को। फिर सातवा कि जो यंगर लीग मेंबर्स थे वो ज़्यादा बोल्डर थे। आठवां की जो कलकत्ता सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें लीग ने कमिट किया था टू वर्क फॉर सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फिर इस समय जो यंगर मुस्लिम्स थे वो उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिप्रेस कर रही थी। इस समय जो लीडर्स हैं इम्पोर्टेंट वो है मौलाना अजद अल हिलाल, मोहम्मद अली कॉमरेड। ठीक है, तो इस तरह से एक यंगर फेस था मुस्लिम लीग का। अब लखनऊ पैक्ट का समझते हैं। तो इस इन सब कारणों से क्या हुआ कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए लखनऊ में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आ गए और लीग एग्रीड टू प्रेजेंट जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड विद द कांग्रेस टू द गवर्नमेंट। जॉइंट डिमांड जो था वेयर दैट द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर दैट इट वुड कन्फर सेल्फ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी फर्दर एक्सपेंडेड और हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी इंडियन। तो इस तरह से सिचुएशन ऐसा था कि जो मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है वो साथ आ गई। यही करके आपको आंसर करना पड़ेगा। थैंक यू।